हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गया हूँ आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉकडाउन में ट्रैवलिंग के लिए ई पास कैसे बना सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी हमारे कंट्री में बहुत से स्टेट्स में लॉकडाउन है और जिनको ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना ही है उनको ई पास बनाना कंपलसरी है, एक्सेप्ट मेडिकल नीड, उसमें आपको ई पास बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ई पास बनाना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। पर अगर आप किसी साइबर कैफे वाले से बनाओगे तो वो ई पास बनाने के चार्जेस ले रहे हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में अपना ई पास बनाओ। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा कैसे आप ई पास बना सकते हो। तो आपको सिर्फ करना यह है कि मैं जैसा बताऊंगा वैसा वैसा फॉलो करना है, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना है। मैं इस वीडियो में झारखंड स्टेट का ई पास बना के दिखाने वाला हूं, तो अगर आप दूसरे किसी स्टेट से हो तो भी आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोसेस सब में सेम नहीं है, थोड़े बहुत अंतर है और वेबसाइट अलग है। अगर आप दूसरे किसी स्टेट के लिए बना रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ई पास बनाने के लिए सबसे पहले आप एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप पीसी या मोबाइल किसी में भी कर सकते हो, मैं मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हो, ये वाला जो वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट आपको सर्च कर लेना है गूगल पर, और अब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जो पहला वाला लिंक दिख रहा है उसको ओपन कर लेना है। आफ्टर ओपनिंग इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर करके रखा तो आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हो। और हो अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं करके रखा तो आप यहाँ पे जो रजिस्टर एयर का जो ऑप्शन है उसमें आपको प्रेस कर देना। उसमें जैसे आप प्रेस कर दोगे इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको फ़ोन नंबर इंटर करने को कह रहा है। फ़ोन नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर इंटर कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से एक पेज ओपन हो गया जहाँ पे कंफर्म फ़ोन नंबर, तो जो नंबर पहले आपने दिया वही नंबर को फिर से इंटर करके यहाँ पे सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड इंटर करने को कह रहा है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस में कम से कम आपका जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो कम से कम 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए और कम से कम एक कैपिटल लेटर यूज़ करना होगा आपको कोई भी अल्फ़ाबेट का, और कम से कम एक स्मॉल लेटर भी यूज़ करना होगा, और आपको नंबर यूज़ करना होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प जरूर कर दूंगा, या कमेंट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना। आप सबमिट कर देने के बाद फिर से एक पेज आ गया जहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। जैसे कि जो पासवर्ड आपने पहले दिया ये वाला पासवर्ड आपको फिर से लिख के यहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला पेज ओपन हुआ था उसी पेज में आपको लेके आ गया लॉगिन वाले पेज में। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब आप लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन अपना नंबर और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन करोगे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर यूजर्स प्रोफाइल प्रोग्रेस आपको शो कर रहा है। तो मोबाइल वेरीफाइड यहाँ पर वो हो चुका हम लोग का। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डिटेल्स अभी पेंडिंग। चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट कर लेता। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कम्प्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लू कलर का जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा उसमें आपको प्रेस कर देना। उसमें प्रेस कर देने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको आईडी डिटेल्स आपको डालना है। तो यहाँ पे पहले आईडी टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो आईडी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी का नंबर आप। तो जैसे यहाँ पे आईडी डिटेल्स में आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, जो भी आपको देना है वो आप सेलेक्ट करके उस आईडी का आईडी नंबर लिख देना आपको। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। मैं जैसे प्रेस करोगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा जहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीटेड लिख दिया। अब यहाँ पे से पर्सनल डिटेल्स आपको पेंडिंग, तो अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको प्रेस कर देना है और पर्सनल डिटेल्स फिल कर देना होगा। पर्सनल डिटेल्स में जैसे आप प्रेस करोगे इस तरह का यूज़र फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आप सारा डिटेल्स देना होगा, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और नेशनलिटी, और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली पहले आपने फिल दे चुका है तो वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन ये सब दे देने के बाद यहाँ पर सेव कर देना। आपको सेव कर देने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। अब देखिए फिर से उस पेज में आ गया आपको, देखिए आपका प्रोग्रेस बार में आपको दिखा रहा है 100% आपका कम्प्लीट हो चुका है।
अब प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब बारी आप पास आपको अप्लाई करना है। तो ई पास के लिए आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर में थ्री लाइंस जो दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे प्रेस कर देने के बाद इस तरह का नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ई पास का जो ऑप्शन है उसमें आपको प्रेस कर देना है। उसमें जैसे प्रेस कर दोगे अप्लाई फॉर ई पास, व्यू ई पास, डाउनलोड ई पास का ऑप्शन आता है। तो अगर अभी आपने ई पास अप्लाई नहीं किया तो पहले अप्लाई फॉर ई पास कीजिए, उसमें प्रेस कर देने का एक पेज ओपन हो जाए रिक्वेस्ट फॉर ई पास विजार्ड नाम। तो इस पेज में आपको देखिए सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास दे देना है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ ई पास सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ई पास में चार तरह का ई पास होता है। अगर आप झारखंड में हो और किसी और स्टेट में जाना चाहते हो तो आप इस ई पास से ले सकते हो। अगर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, अगर आप झारखंड के अंदर ही दूसरे किसी स्टेट में आपको जाना है तो ये टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहते हो आपको विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सेलेक्ट करना। और अगर आप कहीं और से झारखंड के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो यहाँ पे कमिंग इन साइड झारखंड वाला टाइप सेलेक्ट कर, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का टाइप सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे जैसे विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में सेलेक्ट कर दूंगा। उसमें सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आगे एक फॉर्म आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर ई पास विजार्ड का। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट फॉर अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट और टाइप ऑफ ई पास आपका आ गया है ऑटोमेटिक, पर क्योंकि पहले आपने दे दिया। अब आपको यहाँ पर करंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, जिस भी एड्रेस में आप अभी हो उसका, विजिटिंग स्टेट जिस स्टेट में जाना चाहते हो और विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट और विजिटिंग एड्रेस, जहाँ पे आप एड्रेस देना हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो वो देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ई पास कैटेगरी है, यहाँ पे आपको ई पास कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना कौन से कैटेगरी में। जैसे कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी का कोई जिस भी फील्ड के अगर एम्प्लॉय या ओनर हो, इस वजह से आपको बाहर जाना है, उस रिगार्डिंग आपको काम में जाने के लिए पास चाहिए तो उस रिगार्डिंग ई पास होगा, या फिर कोई शॉप में या कोई रेस्टोरेंट का ओनर या एम्प्लॉय हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में आप हो, या इसके लिए आपको ई पास चाहिए, जो भी आपका काम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ में कोई काम के लिए मतलब चाहिए, आपको सिर्फ सामान खरीदने जाने के लिए चाहिए ई पास, तब आपको यहाँ पे देखिए बायर ऑफ परमिटेड गुड्स का जो ऑप्शन है वो उसमें आपको प्रेस कर देना है। उसमें प्रेस करते हुए देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे जो आप किसी काम के लिए जो या ऑफिस जॉब के लिए अगर वाला ई पास आप सेलेक्ट करते हो तो उसका एक क्राइटेरिया अलग रहता है कि आप उसमें एक ही बार में आप जितने दिन का आप ई पास चाहिए, जैसे कि आपको 16 से जो भी जितने दिन का लॉकडाउन है टोटल के लिए ई पास एक ही बार में बन जाएगा। मगर आप बायर ऑफ परमिटेड गुड्स का अगर करते हो मतलब सामान खरीदने जाने के लिए, उसके लिए एक ही दिन का ई पास बनेगा, वो भी 3 घंटे तक का लिमिट रहता है। जितना बार आपको जाओगे जितना बार हर बार 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 आपको बनाना पड़ेगा, और बाकी सेम ही होगा, सिर्फ इसमें ऑप्शन एक ही अलग होगा कि आपको यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट दो का ऑप्शन होगा। और अगर आप बायर ऑफ परमिटेड गुड्स का अगर करते हो तो एक ही दिन का होगा, तो उसमें आपको सिर्फ जिस डेट को चाहिए उसी डेट का आपको डेट फिल करना होगा और उसमें 2 डेट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे यहाँ पे बायर ऑफ परमिटेड गुड्स का करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन का यहाँ पे आपको डेट दे देना, जिस डेट के लिए ई पास चाहिए तो उस डेट में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम, जिस कौन से समय में आपको जाना है, याद रखिएगा 3 ही घंटे तक का आपको पास मिला है परमिटेड गुड्स अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 3 ही घंटे तक का आपको टाइम रहेगा, तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लो, जब जैसे निकलोगे तभी आप करना। उसके बाद व्हीकल आपको सेलेक्ट कर लेना, 2 व्हीलर या 4 व्हील अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, और व्हीकल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितने व्हीकल में कितने पर्सन तो वो भी आपका फिक्स्ड रहता है। 2 व्हीलर में अगर हो तो 1 ही कर सकते हो, और 4 व्हीलर में हो तो 2 ही सेलेक्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ये सारा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब फिल कर देने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन तो आपको फिल कर देना है, सब में टिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो सारा टिक कर देना, उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आपने एग्री एंड प्रोसीड किया, यहाँ पे देखिए आ गया योर सर्टिफिकेट फॉर ई पास हैज जनरेटेड सक्सेसफुली, डायलॉग बॉक्स आ गया, अब ओके कर दीजिए। यहाँ पे फिर से वहीं पे राइट कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइंस जो है वहाँ पे प्रेस कर देना, वहाँ पे प्रेस कर दोगे। अब यहाँ पे डाउनलोड ई पास का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको प्रेस कर देना, वहाँ पे जैसे ही प्रेस करोगे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कर रहा है ई पास का डिटेल्स शो कर रहा है। अब प्रॉपर ई पास देखने के लिए आप यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है वहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस कर दोगे देखिए आपका ई पास ओपन हो गया है, आपका ई पास क्रिएट हो चुका है, इस तरह से ई पास बन जाएगा। आप आ गया, प्रेस कीजिए, आप सेव करना या प्रिंट करना आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सेव करके रख लीजिए, बस हो गया, आपका ई पास क्रिएट हो चुका है। अब आराम से आप जाइए, मगर बेफालतू मत घूमिए, ज़रूरत हो काम हो सही में तभी आप जाइए, और ई पास लेके जाइए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जाइए और सारे रूल्स फॉलो करें, और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों।